दोस्तों नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का खास महत्व है और आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी देखी जा रही है। बता दें कि नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ही रायपुर के सभी मंदिर और देवालय सज धज कर तैयार हो गए हैं। शहर के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो महामाया मंदिर, काली माता मंदिर, बंजारी मंदिर में हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योत कलश की स्थापना की गई है। इसके साथ ही शहर में कई बड़े बड़े पंडाल भी तैयार किए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे खास बात है वो ये है कि प्रशासन द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही ये सभी तैयारियां की गई है। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गई और सुबह से ही राजधानी रायपुर के सभी मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के आकाशवाणी के पास मौजूद देवी माता काली का मंदिर में मौजूद हैं। इस वक्त दिखाना चाहूँगा यहाँ की भीड़ है, जो भक्त यहाँ पर सुबह से ही पहुँच रहे हैं। लगातार एक के बाद एक भक्त यहाँ पर आते जा रहे हैं और माता का दर्शन करके जो है यहाँ से निकल रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का भी जो है यहाँ पर पूरा पालन किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं कोविड गाइडलाइंस की और क्या मुराद लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? कि वे सुबह से यहाँ लोग आ रहे हैं अपनी माँ के सामने, आज की नवरात्रा के पहला दिन अपना दर्शन कर रहे हैं, माँ को माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं, जो इच्छाएँ हैं अपनी माँ से बोल रहे हैं। माँ है, माँ से कुछ मांगा नहीं जा सकता, माँ मन की बात जानती है। बस उनके चरणों में आ जाए, इतना ही आशीर्वाद उनका काफ़ी होता है। भक्त लोग सुबह से आ रहे हैं और जिस प्रकार से शासन की गाइडलाइन आई है उसी प्रकार से प्रसादी वरसादी लेना देना ये बंद है। सिर्फ नारियल माला अर्पण किया जा रहा है, फल वाला अर्पण किया जा रहा है। ये थे हमारे साथ पुजारी जी और भक्तों से भी हमने जाना कि आखिर क्या क्या मनोकामनाएं लेकर वे यहाँ पर पहुँचते हैं। माता काली के मंदिर में भी आज सुबह से ही भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है और आज जिस तरह से पुजारी जी ने बताया कि किस तरह के अनुष्ठान यहाँ पर तमाम नवरात्र प्रारंभ के दिन किए जाने हैं। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को देवी उपासना के पर्व नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर जारी किए गए अपने बधाई संदेश में सीएम बघेल ने कहा कि नवरात्र में 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ श्रद्धालु शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा करते हैं। धर्म ग्रंथों में देवी के शक्ति, नारी, लक्ष्मी जैसे कई स्वरूप माने गए हैं। कन्याओं को देवी का प्रतिरूप मानकर नवरात्रि में उनकी पूजा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व आराधना के साथ नारी शक्ति के सम्मान को भी प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ में आज नवरात्र के पावन अवसर पर राम वनगमन पथ के प्रथम चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंदखुरी में राम वनगमन पर्यटन परिपथ और माता कौशल्या मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। ये लोकार्पण कार्यक्रम पुलिस अकादमी ग्राउंड चंदखुरी में आयोजित किया गया है। इस मौके पर चंदखुरी में 7, 8 और 9 अक्टूबर को 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कलाकार, मानस मंडलियां और स्थानीय कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
बिहार में हो गई इलाज की सब सुविधा। सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चार किसानों और एक पत्रकार की जीप से कुचलकर की गई हत्या के दर्द पर छत्तीसगढ़ भी मरहम लगाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार इन पांच मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखनऊ हवाई अड्डे पर इसकी घोषणा की। दुख में हम सबको खड़ा होना, दुख बांटने का काम हम सबको करना है, और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। आइए अब देखते हैं खास कार्यक्रम आर्ट कॉर्नर। नमस्कार, मैं हूँ पद्मा कुलदीप। दोस्तों, यूं तो गीत संगीत से हमारा मनोरंजन होता है, लेकिन किसी गीत के बोलों में ऐसा संदेश छुपा होता है जो हमें नई ऊर्जा, नई उम्मीद से भर देता है। आज हम हृदय और मानस को जगाने वाले एक ऐसे ही गीत का जिक्र करने जा रहे हैं। इस गीत के वीडियो में कई नामी और प्रतिष्ठित गायिकाओं ने भागीदारी की है। ये मशहूर नाम है विदुषी प्रतिभा प्रहलाद, बेगम फरीदा खानम, उषा उत्थुप, शारदा सिन्हा, के एस चित्रा, अनुराधा पॉल, साधना सरगम और जसपिंदर नरूला, अनुराधा पौडवाल और महालक्ष्मी अय्यर, और भी कई नामचीन हस्तियों के साथ ही स्वर मिलाया है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की गायिका रागिनी कोथेकर ने, जिन्होंने एक कलाकार के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाया है। आइए देखते हैं इस प्रेरक गीत का वीडियो, जिसके बोल हैं जागो जरा। जागो जरा, मिटने दो खामोशिया, हम सा गया अब तो रागिनी कोथेकर ने शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल की है। हाल ही में उनके एल्बम को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, जिसमें उनके सह कलाकार हैं डॉनी हजारिका। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं गायिका रागिनी कोथेकर से। रागिनी जी नमस्कार। नमस्ते रागिनी जी, आपका तो नाम ही बड़ा संगीतमय है। आप बताइए कि राग और रागिनियों से आपका अनुराग कब और कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली मैं बचपन से 3 साल की उम्र से गाना गा रही हूँ, और घर पे संगीत में वातावरण है। मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, पापा तबलिस्ट हैं, भाई भी बहुत अच्छा तबलिस्ट है। तो जब मैं बचपन में थोड़ा बहुत गाती थी, तो मम्मी मुझ पर ध्यान देती थी कि क्या गा रही है, क्या नहीं गा रही है, तो मुझे बड़ा डर लगता था, बिकॉज़ मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी हमारी। तब फिर मम्मी ने देखा कि इसका इंटरेस्ट है सिंगिंग में, तो मैंने काफ़ी देर के बाद, मतलब 8th-9th में मैंने गाना शुरू किया। तब फिर मैंने पर्सनली ट्रेनर, मतलब जो गाने के लिए ट्रेनिंग ली जाती है, उसके लिए मैं अपने मामा जी के पास गई, श्री सतीश इंदुरकर जी के पास, और वहाँ मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। रागिनी जी, छत्तीसगढ़ से फिल्मों की माया नगरी मुंबई का जो सफ़र है, कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। संगीत का सफ़र ऐसा हुआ कि वैसे मैं संगीत के सफ़र में मैं देखा जाए तो बड़ी लकी हूँ, क्योंकि जैसे मैं मुंबई आई तो मुझे श्री रविंद्र जैन जी का साथ मिल गया, और सूर्यश्री अवार्ड से मुझे उन्होंने नवाजा, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया सूर्यश्री। क्लासिकल में मैंने टॉप किया था, तो तब से रविंद्र जैन जी के साथ शोज़ करने लगी, गाने लगी। तो कहते हैं स्ट्रगल तो एटलीस्ट सबको ही होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ा, बट उस हद तक स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ा, बिकॉज बड़े गुरुओं का हाथ था सर पे, तो वो एक अच्छा साथ मिल गया। उसके बाद श्री अनूप जलोटा जी के साथ शो किया, अन्नू कपूर जी के साथ शो किया, सुरेश वाडकर जी के साथ शो किया, तो इन सब का साथ बहुत, आई एम वेरी लकी एक्चुअली, इन सब का जो साथ मिला, इट्स गुड एक्चुअली, बहुत अच्छा लगा। रागिनी जी, अब हमें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के बारे में बताइए कि आपको किस कैटेगरी में मिला है।
बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने कि ये अवार्ड मुझे किस कैटेगरी में मिला है। एक्चुअली ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, मेरे पार्टनर को मिला है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर डॉनी दा डॉनी हजारिका दा बेस्ट सॉन्ग इंजीनियर का अवार्ड मिला। और ये वो गाना है जो हमने फर्स्ट टाइम कंपोज किया था, दिस इज आवर फर्स्ट कंपोजिशन, सावरिया सताए मुहे। तो मैं चाहती हूँ कि डॉनी दा कुछ कहें, डॉनी दा के मुँह से मैं कुछ सुनना चाहूँगी। ही इज़ अ माई म्यूजिक पार्टनर, ही इज़ अ माई दादा, एंड प्लीज़ डॉनी दा आइए। अलबेलो सावरिया सताए मुहे, अलबेलो सावरिया। तो दोस्तों आज हमने बात की रागिनी क्वेथेकर जी से, फिर एक नए शख्सियत के साथ होंगे हाजिर। अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी हल होता है, बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा। सेहत सुविधा पहुंचे द्वार। सोचे सब भूपे सरकार, हाट बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब समय है हमारी सहयोगी शिरीन के साथ छत्तीसगढ़ की 36 खबरें देखने का। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को गुंडा धूर सम्मान तथा महाराज प्रवीण चंद्र भंज देव सम्मान प्रदान किया जाता है। इसी तारतम्य में वर्ष 2021-22 के लिए उक्त दोनों सम्मानों के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन 15 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए हैं। इसमें अलंकृत खिलाड़ियों को 1,00,000 रुपए नगद, अलंकरण फलक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कोरोना की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान ने कल एक आदेश जारी कर नवरात्र पर्व के संबंध में नियमानुसार निर्देश प्रसारित किए हैं, जिसमें मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8x8 फीट होगी, परंतु POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति की स्थापना वाले पंडाल का आकार 15x15 फीट से अधिक न हो और पंडाल के सामने कम से कम 5,000 वर्ग फीट की खुली जगह जरूर हो। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने नवरात्रि पर्व पर छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री भगत ने कहा है कि नवरात्रि पर्व के अवसर पर लोग 9 दिन तक देवी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा उपासना करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को देवी का प्रतिरूप मानकर उनके पूजन की भी परंपरा प्रचलित है। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रदेशवासियों के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए कामना की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा है। गौरतलब है कि राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना विगत 5 अगस्त 2020 से संचालित है और आगे भी संचालित रहेगी।
प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया के हाथों मंगलवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा बालोद जिला अस्पताल परिसर में आयोजित मेगा शिविर में सैकड़ों हितग्राही लाभान्वित हुए। शिविर में मंत्री भेड़िया ने सामर्थ्य विकास योजना के अंतर्गत 14 दिव्यांगों को सामान्य ट्राईसाइकिल, 2 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल और 19 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर प्रदान कर उन्हें लाभान्वित किया है। जिला मुख्यालय बालोद के गुरूर ब्लॉक में ग्राम छेड़िया सहित आसपास के लोगों में धान की फसलों को जंगली सुअर रौंदकर व खाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। वहीं किसानों को जंगली सुअर से जान का खतरा भी मंडराने लगा है। इससे गुरूर ब्लॉक क्षेत्र के किसान काफी दहशत में हैं और चाहते हैं कि इस समस्या का निदान किया जाए। 6 जून से शुरू हुआ मानसून का मौसम 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से खत्म हो गया, लेकिन मानसून लौटा नहीं। मानसून के पीछे हटने का अनुकूल माहौल बना हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि जल्दी ही मानसून की विदाई हो जाएगी। इस बीच बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ने बरसात की संभावना बनाए रखी है। नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति के लिए सफाई कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दांडी यात्रा निकाली थी। अलग अलग जिलों और कस्बों से निकले करीब 15,000 आंदोलनकारी मंगलवार को राजधानी के ईदगाह भाटा में इकट्ठे हुए। सड़क पर हुए इस प्रदर्शन से आधे शहर का ट्रैफिक जाम रहा। 12वीं में छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड के नतीजे पहली बार इस तरह आए हैं कि ज्यादा नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 600 से 700 तक छात्रों को एक ही जैसे नंबर मिले हैं। जैसे बोर्ड में 475 नंबर यानी कि 95% पाने वाले 695 छात्र हैं। यहां तक कि 500 में 500 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या भी 2 के करीब है। सैकड़ों छात्रों से एक जैसे नंबर पाने का नतीजा ये हुआ है कि कॉलेजों को एडमिशन देने में काफी दिक्कत आ रही है। इस वजह से दाखिले का फॉर्मूला भी पहली बार बदला गया है। बिलासपुर में कोवैक्सीन की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है। वर्तमान में कोवैक्सीन के सिर्फ 2,500 डोज हैं, जबकि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या 15,000 से ज्यादा है। मंगलवार को जिले में 238 सेंटरों पर टीकाकरण चला। शहर के नमनाकला रिंग रोड स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल के आईसीयू में मंगलवार की देर शाम आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उस आग पर किसी तरह नियंत्रण ला लिया गया। आग को आईसीयू में ही नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन एहतियात के तौर पर आनन फानन में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 8 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग से शाम तक किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर फिलहाल नहीं मिली है। बिलासपुर में रविवार रात पुलिस अफसरों की बार पार्टी मामले में अब आईजी रतनलाल डांगी भी सख्त हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है, किसी भी हालत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में गुलाब चक्रवात का कहर बरस रहा है। प्रदेश में दंतेवाड़ा जिले में साइक्लोन अपना असर दिखा रहा है। जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 25 मवेशियों की मौत हो गई है। प्रभावित ग्रामीणों को राहत मुआवजा देने प्रशासकीय कार्रवाई की जा रही है। सहायक संचालक पशुधन विकास विभाग डॉक्टर अजमेर सिंह कुशवाहा के मुताबिक रविवार को दोपहर ग्राम गदापाल के ग्रामीण राउतपारा मुस्तकेल के बीच पहाड़ी में मवेशी चर रहे थे, तभी रिमझिम बारिश के बीच आकाशीय बिजली यानी कि गाज गिरी। इसकी चपेट में आकर कुल 25 गाय बैल और बछड़ों की मौके पर मौत हो गई। धर्म और देशभक्ति का संगम देखना हो तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सटियारा गांव से बेहतर शायद कोई जगह नहीं होगी। ये प्रदेश का ही नहीं बल्कि शायद देश का इकलौता गांधी मंदिर है, जहां पर लोग देवी देवताओं के साथ स्वतंत्रता संग्राम के नायक महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं। गंगरेल बांध की खूबसूरत हसीन वादियों के पीछे बसे सटियारा गाँव में गांधी और उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। सेना में भर्ती होकर देश सेवा का जज्बा युवाओं में भरा होता है, लेकिन अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। न प्रशिक्षण के लिए मैदान होता है और न ही दूसरी अन्य सुविधाएं मुहैया होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तमाम परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए देश के लिए नए फौजी तैयार करते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी के एक व्यायाम शिक्षक घनश्याम ध्रुव, जो सेना में जाने वाले लड़के और लड़कियों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे तो सरकार अंतिम पंक्ति में निवासरत बच्चों को भी प्रारंभिक शिक्षा सहित पूरक पोषण आहार नियमित रूप से देने की बात करती है, लेकिन ऐसा जमीनी यानी कि धरातल में नहीं दिख पा रहा है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां के मासूम बच्चों को पूरक पोषण
आहार सहित प्रारंभिक शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला गरियाबंद जिले के विकास खंड मैनपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सुदूर जंगल इलाके के ग्राम पंचायत साहिबिन कछार के आश्रित ग्राम कोदोमाली के मोहल्ले दशपुर इचरादी का है। यहाँ के लगभग 40 से 45 प्रारंभिक शिक्षा पाने वाले मासूम बच्चों को आज भी शिक्षा एवं पूरक पोषण आहार के लिए वंचित होना पड़ रहा है। भगवान श्री राम के वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ भ्रमण पथ के महत्वपूर्ण स्थानों को राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत चंदखुरी गांव में स्थित प्राचीन कौशल्या माता मंदिर के सौंदर्यीकरण और परिसर को विकसित करने का प्रथम चरण का कार्य तकरीबन पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल और उनकी माता कौशल्या का जन्म स्थान है। शहर में संचालित 3,280 स्व सहायता समूहों को अब अपनी बनाई वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। नगर निगम द्वारा भिलाई की मुख्य मार्केट पावर हाउस क्षेत्र में मदर्स मार्केट तैयार की जा रही है। निर्माणाधीन इस मार्केट में कुल 27 दुकानें निर्मित की जा चुकी हैं। इसके बन जाने के बाद ये दुकानें इन समूहों को दी जाएंगी। महिला समूह यहाँ अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का विक्रय करेंगी, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मदर्स मार्केट को बड़े शॉपिंग मॉल की तर्ज पर ड्राइंग डिजाइन कर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 अक्टूबर को चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। चंदखुरी में 7, 8 और 9 अक्टूबर को 3 दिन का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, मानस मंडलियां और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को देवी उपासना के पर्व पर नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री बघेल ने जारी अपने बधाई संदेश में कहा कि ये पर्व आराधना के साथ नारी शक्ति के सम्मान का भी पर्व है। महिलाओं के प्रति सम्मान के भाव में ही सच्चे अर्थों में देवी पूजा सार्थक होती है। छत्तीसगढ़ योग शिक्षक महासंघ के जिला अध्यक्ष सौरभ राव द्वारा नगर के वार्ड नंबर 8 रेलवे बालुद्यान में विगत 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 15 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर का समापन समारोह वार्ड नंबर 8 की पार्षद के मुख्य आतिथ्य गोवर्धन साहू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दिवाली पर कोयला कर्मचारियों को कंपनी ने बोनस देने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति के अनुसार बोनस दिया जाएगा। शत प्रतिशत उपस्थिति वाले कर्मचारियों को तय बोनस की पूरी राशि दी जाएगी। कर्मचारियों को 11 अक्टूबर से पहले बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। SECL की कोरबा, कुसमुंडा, दीपिका और गेवरा एरिया के खदानों में लगभग 13,000 के करीब कोयला कर्मचारी कार्यरत हैं। यहां कर्मचारियों को 90,62,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि बोनस के तौर पर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थानीय लोहिया चौक में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार में PM नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को आयोजित इस प्रदर्शनी का जायजा भाजपा नेताओं के साथ स्कूली बच्चों ने भी किया। जिले के सबसे बड़े KG कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में करीब 550 सीटों पर एडमिशन अटकी हुई है। अटल विद्यालय ने रिजल्ट की घोषणा नहीं की है और 17 सितंबर तक परीक्षाएं होने के बाद 24 सितंबर तक आंसर शीट जमा हुई है। 26 से 27 सितंबर को कॉपियां विश्वविद्यालय को भेजी गई हैं। मूल्यांकन में देर के कारण एडमिशन की शुरुआत फिलहाल नहीं हो पाई है। MA और MSc में एडमिशन प्रोसेस अटका हुआ है। कुछ दिन पहले ABVP और BJP नेताओं के साथ स्टूडेंट ने जल्द रिजल्ट आउट करने की मांग की है। नवीन कॉलेज नवागढ़ में क्षमा देवी जैन सिलाई बुनाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर क्षमा देवी जैन स्मृति विशिष्ट प्रतिभा व शिक्षक सम्मान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग के सदस्य शशिकांता राठौर थी। अध्यक्षा राज्य महिला आयोग के सदस्य अर्चना उपाध्याय ने की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी के मामले की जांच कृषि विभाग ने पूरी कर ली है। पुलिस ने भी जांच की है, लेकिन गड़बड़ी महासमुंद में होने की दलील देकर पुलिस ने महासमुंद में FIR कराने की बात कही है। कृषि विभाग के अफसरों का कहना है कि इस मामले में पूरी जानकारी शासन को दी गई है और कार्रवाई जल्द ही शुरू कर दी जाएगी।
ईमानदारी जिंदा है इस मिसाल को आज भी लोग पेश कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सामने आया है। शहर के ऑटो ड्राइवर की गाड़ी में एक शख्स अपना जेवरों से भरा बैग भूल गया। ऑटो ड्राइवर को जब बैग मिला तो वो फौरन उसे लेकर पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने बैग के मालिक को फोन कर बुलाया और उसे अपना सामान दिया। इतना ही नहीं, ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी देख पुलिस ने उसकी तारीफ की। नक्सलियों के शहीद सप्ताह के अंतिम दिन एक अलग ही तस्वीर उनके प्रभुत्व वाले इलाके में सामने आई है, जिसमें सुरक्षा बल के पास ग्रामीण बेखौफ होकर पहुंच रहे हैं। मिनपा गांव एक ऐसा नाम है जहां पिछले साल नक्सल घटना में 17 जवानों की शहादत हुई थी। ये इलाका पूर्ण रूप से रेड कॉरिडोर यानी कि नक्सलियों के प्रभुत्व वाला इलाका माना जा रहा है, लेकिन इसी साल यहां पर सुकमा पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित करने में सफलता हासिल की और इसका असर भी अब देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का एक युवक राजीव राजवाड़े राष्ट्र प्रेम का संदेश लेकर अकेला व पैदल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने निकल पड़ा है। राजीव का कहना है कि अनेकता में एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करते हुए छत्तीसगढ़ से एमपी और यूपी होते हुए दिल्ली पहुंचेगा। वहां अमृत महोत्सव के अवसर पर पीएम से मिलना चाहता है। राजीव अपने सफर के दौरान लोगों से राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और अनेकता में एकता का संदेश देखता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में अमृत मिशन योजना से बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। दरअसल योजना के सर्वे के दौरान शहर में 3000 से ज्यादा अवैध नल कनेक्शन पाए गए हैं। इस अवैध नल कनेक्शन से नगर निगम को कई सालों से चूना लगाया जा रहा है। अब नगर निगम ने इन अवैध नल कनेक्शन को वैध करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन की निगरानी हेतु गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई। मुख्य सचिव श्री जैन ने निर्देश दिए हैं कि असंगठित श्रमिकों का पंजीयन अक्टूबर माह तक पूरा कर लिया जाए और इसकी जानकारी भारत सरकार को प्रेषित की जाए। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ राहुल देव के मार्गदर्शन में शल्य चिकित्सा उपरांत सकुशल घर विदाई कार्यक्रम का आयोजन लाइफ लाइन एक्सप्रेस शिविर में किया गया। विदाई कार्यक्रम में जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री जगलाल देहाती, जनपद सदस्य श्रीमती फुलबसिया राजवाड़े, सरपंच कुंजनगर श्री मनोज सिंह, उप सरपंच कुंजनगर श्री अज्जू आलम शामिल हुए। आज लाइफ लाइन एक्सप्रेस में 60 लोगों के आंख के सफल ऑपरेशन पश्चात उन्हें विदाई दी गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 7 अक्टूबर को महाराजा चक्रधर सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत और कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सम्मान दिलाया है। उनकी कला के प्रति अगाध श्रद्धा और कौशल ने शास्त्रीय नृत्य शैली में रायगढ़ घराने को स्थापित किया। उन्होंने संगीत और शास्त्रीय नृत्य कला की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया। महाराजा चक्रधर सिंह ने नृत्य और संगीत विधा की अनेक साहित्यिक कृतियों की रचना भी की है। राज्य सरकार ने उनके सम्मान और स्मृति में कला और संगीत के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराज चक्रधर सिंह के संगीत और कला के क्षेत्र में योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ये घोषणा लखीमपुर पहुंचने से पहले ही की थी। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ के दौरे पर हैं। आज वो राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ के पीड़ित परिवारों से मिलकर वापस आए। मुख्यमंत्री द्वारा लखीमपुर के पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों और आदिवासियों की मौत पर तो राज्य सरकार के पास पैसा नहीं रहता, पर मुख्यमंत्री के पास कवर्धा में जो हो रहा है उसके लिए समय नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब छत्तीसगढ़ के नहीं गांधी परिवार के मुख्यमंत्री हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। इस सीजन में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर अपराधी लूट, उठाईगिरी और चोरी जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो भी बेखौफ होकर।
ऐसे बदमाशों पर इस बार रायपुर पुलिस की पैनी नजर होगी। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि त्योहारों में लोग यहां आना जाना किया करते हैं, उन्हीं की वेशभूषा में कई बार आपराधिक तत्व भी सामने आ जाते हैं जो रोकी नहीं जा सकती, जो रेकी करके घटना को अंजाम देते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे लोगों की पहचान करें, इसके लिए पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं ने घटना का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में राजम विधायक अमितेश शुक्ल की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में रैली निकालकर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए लखीमपुर में हुई घटना का विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शासन लाने की मांग की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।